माता पिता की सेवा। गांव के पनघट पर चार औरतें पानी भरने आई। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों के एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखाना करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बंसुरी बजाता है। जो भी उसकी बंसुरी सुनता है खुश हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी बहादुरी का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। तीसरी औरत कहाँ पीछे रहती, वह बोली, मेरा पुत्र बुद्धिमान है। उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्या लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई। चौथी औरत ने सबकी बातें सुनी लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन तुम भी तो कुछ कहो ना, तुम्हारा पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ बहनों, मेरा पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापिस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बंसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बंसुरी बजाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का पहलवान पुत्र कुछ ही दूरी पर घुमा रहा था। उसकी माँ कुएं से घड़ा उठाकर जैसे ही उतरी उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नजर उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तीसरी औरत का पुत्र भी वहाँ से किताब पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र मैं दोनों हाथों में घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दे। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी करके वहाँ से चला गया। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सर पर घड़ा देख वह उसके पास गया और उसके सर से घड़ा उतार कर अपने सर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी हुई बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आ रहा है, वही जो अपने सर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र ही गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है? गुणगान वही है जो अपने माता पिता की सेवा करे और साथ ही सबकी सहायता के लिए तत्पर।